वल्चर, जिसे दुनिया में कहा जाता है कि ये क्लीनिंग के काम करते हैं, जो जानवर मर जाता है उनकी तादाद बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हो गई। उसकी वजह यह है कि एक वेटरनरी ड्रग थी जिसको डिक्लोफेनिक सोडियम कहलाते हैं, उसकी वजह से जो क्योंकि हमारे वेटरनरी में इस्तेमाल होता था और जो गिद्ध उनको खाते थे उनकी किडनी फंक्शनल नहीं रहती थी, लिहाजा गिद्ध तकरीबन नापैद हो चुके हैं। जो आवारा कुत्तों की तादाद में बढ़ने का एक सबब गिद्धों की तादाद का कम होना है, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि गिद्ध नापैद होने से पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो गया। अफसोस, हम एक ऐसे माहौल का हिस्सा हैं जहां बढ़ती आलूदगी ने इस पूरे इलाके की हैयत को यकसर बदल कर रख दिया है। अब इस इलाके में जानवरों की कई अकसाम नापैद हो चुकी हैं। यहां जो अक्सर जानवर जो बड़े जंगली जानवर हुआ करते थे, जिसमें हरन है या पैंथर है या पाड़ा है, जो इनकी तादाद में खातर खा कमी हुई है क्योंकि ये शिकार की वजह से, हैबिटेट डिग्रेडेशन की वजह से। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि कराची में भी अगर लेपर्ड मिला करता था तो वो नापैद हो गया। माहिरीन का कहना है कि शहर कराची का 82% गंदा पानी साफ किए बगैर ही समंदर की नज़र किया जा रहा है, जिसकी वजह से दरिया में मौजूद नबातात और आबी हयात जहर आलूद हो रहे हैं। ये तो जब केडीए था उसके फिगर्स हैं कि 150 मिलियन गैलन्स पर डे यहाँ पानी जो है उसका इखराज होता है मुख्तलिफ नालों से समंदर में। इधर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, इधर म्यूनसिपल पोल्यूशन है, उसके साथ साथ छोटी छोटी कश्तियाँ जो हैं वो अपना तेल वहाँ फेंकती हैं, ठीक है। कभी कभी जो है जहाज़ है वो हमारी पोर्ट से बाहर निकलते हुए जो है अपना पूरा इंजन ऑयल फेंक जाते हैं। हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट के जो सीड होते हैं वो सब मर जाते हैं। तो गोया कि हमने जो मैरीन लाइफ है उसको ख़त्म करने का जो है बेड़ा उठा लिया। कराची की हदूद के अंदर, मनोरा चैनल के अंदर, डॉल्फिन्स पोर्ट के अंदर आप जाके हर वक्त देख सकते थे। 20 साल से मैंने नहीं देखी। एक ज़माने में तो टाइगर भी हमारे यहाँ मैंग्रोव में रिपोर्ट हुआ है। ह्यूमन सेटलमेंट्स वहाँ आनंद के इलीगल सेटलमेंट्स दस्त काट काट के वो जगह बना के वो वहाँ आबाद हो रहे हैं। जब पाकिस्तान बना था तो एक रिपोर्ट 1967 में लिखी हुई है, उसमें हिसाब से कराची की समुंदर के अंदर कोई पोल्यूशन मौजूद नहीं थी, लेकिन थोड़े से अरसे के बाद हमने उसको मुकम्मल तौर पर उस माहौल को तबाह कर दिया। 2003 में एक सर्वे स्पार्को से मिलके हमने स्टॉक टेकिंग की थी मैंग्रोव की, कराची कोस्ट से लेके पूरे इंडस डेल्टा तक। तो उसमें हमें बड़ी मायूसी हुई थी कि कहाँ 100 साल पहले 6 लाख हेक्टर्स पे मैंग्रोव होते थे, अब वो 86 हेक्टर्स पे हो गए हैं। 10 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। माहिरीन का कहना है कि जंगलात की तबाही से जो नुकसान हमारे माहौल को हुआ, इसका अंदाजा मौसमियाती तगैयर से बखूबी किया जा सकता है। आप ये देखिए कि हमने जंगल के जंगल काट दिए और उसको फिर चूल्हे में झोंक दिया लकड़ी को, तो और कार्बन डाइऑक्साइड धुएं का और इजाफा कर दिया, बजाय इसके कि वो दरख्त अगर बचा रहता तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को कम करता है एटमॉस्फेयर में से। मैंग्रोव हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है सिक्योरिटी के लिए, जो अब हमारे समंदर में तूफान आना शुरू हो गया है, ये क्योंकि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सी लेवल राइज हो रहा है, तो टर्बुलेंस ज़्यादा बढ़ती जा रही है समंदर में। तो हमारे यहाँ से खुदा का शुक्र है कि मैंग्रोव जो है सिपाही का काम दे रहे हैं। जो हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग इजाफा कर रही है उसमें तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर आपका मीथेन गैस है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है। ये तमाम चीज़ें जो है मिलजुल के इसको इन्हांस कर देती हैं, क्लाइमेट चेंज को बढ़ा देती हैं, वार्मिंग को बढ़ा देती हैं।